अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मक्की आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रियो अपने अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। मक्की आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रियो, जिन्हें 2023 में अपने रोल में तब्दीली के बाद लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में फराइन सौंपे गए थे, उन्होंने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। अप्रैल 2023 में मक्की आर्थर को पाकिस्तान मेजबान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था, जबकि ग्रांट ब्रैडबर्न को गुज़श्ता साल के शुरू में पाकिस्तान की कौमी टीम के हेड कोच के तौर पर मुकर्रर किया गया था। जनूबी अफ्रीका के साबिक क्रिकेटर एंड्रियो को अप्रैल 2023 से पाकिस्तान के बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया था। अपने हालिया दौर से पहले मक्की आर्थर 2016 से 2019 तक पाकिस्तानी मेजबान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, जिसके दौरान पाकिस्तान ने ICC टेस्ट टीम में नंबर वन पोजीशन हासिल की। 2017 की ICC चैंपियन ट्रॉफी मक्की आर्थर के जेरे दस्तरस्त उठाई। मक्की आर्थर जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के भी हेड कोच खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद ग्रांट ब्रैडबर्न 2018 से 2020 तक पाकिस्तान मेजबान टीम के फील्डिंग कोच के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हाई परफॉर्मेंस को कोचिंग का किरदार अदा किया। इनके जेर दस्तर पाकिस्तान 2023 में ICC नंबर वन ODI टीम बनी। पाकिस्तान ODI नंबर वन टीम बनी तो ये पाकिस्तान के हेड कोच थे। तीनों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जनवरी 2024 के आखिर तक अपनी अपनी मुलाजमतें छोड़ने के फैसले से आगाह कर दिया है। ये फैसला तमाम स्टैक होल्डर के दरमियान खुश सलूकी से किया गया है। PCB इनके मुस्तकबिल की कोशिशों में नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इनकी खिदमात का शुक्रिया अदा किया और शुक्रगुजार रहेगी।